1689 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड में डंकल्ट का युद्ध हुआ। 1790 में आज ही के दिन जनरल मिडोज की अगुवाई में ब्रिटेन की सेना ने तमिलनाडु के डिंडीगुल पर कब्जा किया। 1842 में आज ही के दिन तस्मानिया के शहर होबर्ट की स्थापना हुई। 1914 में आज ही के दिन जर्मनी की सेना ने बेल्जियम के टेमेंस पर कब्जा किया। 1915 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1931 में आज ही के दिन पंडित विष्णु दिगंबर का निधन हुआ। 1938 में आज ही के दिन इटली में सार्वजनिक और माध्यमिक विद्यालयों में यहूदी शिक्षकों के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा। 1959 में आज ही के दिन ईरान, तुर्की, पाकिस्तान तथा ब्रिटेन के सहयोग से सिंटो नामक संगठन की स्थापना हुई। 1963 में आज ही के दिन बौद्ध मंदिर में छापे के विरोध में दक्षिण वियतनाम में मार्शल लॉ की घोषणा हुई। 1965 में आज ही के दिन रोमानिया में संविधान लागू हुआ। 1972 में आज ही के दिन भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून पारित हुआ। 1982 में आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के किंग सोभूषा द्वितीय का निधन हुआ। 1983 में आज ही के दिन फिलीपींस में विपक्षी नेता बेनिग्नो अकिनो की हत्या हुई। 1986 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का जमैका में जन्म हुआ। बोल्ट 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वर्ष 1984 में कार्ल्स लुईस के बाद 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तीनों दौड़ें जीतने वाले और तीनों दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बोल्ट पहले व्यक्ति बन गए। इसके साथ ही वो वर्ष 2009 में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक खिताब पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने। 1991 में आज के दिन लातविया ने सोवियत संघ से आजाद होने की घोषणा की। 1993 में आज के दिन मार्स ऑब्जर्वर के साथ नासा का संपर्क टूटा। 2006 में आज के दिन प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का निधन हुआ। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।